हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अब ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अभी दोपहर के 12 बजे से। 12 अभी बजे नहीं है, 5 मिनट बाकी है। तो आज जो है मैं बहुत आराम से उठी सुबह, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ हो गया था। पता नहीं क्यों हो गया। दशहरे वाले दिन मैं बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद से मैं जैसे ही मैंने खाना खाया फिर थोड़ा बीमार सी पड़ गई मैं। इसलिए ब्लॉग नहीं बना सकी। पूजा वगैरह हो गई है और अभी मैं देखो सुबह की ये पहली चाय है लेके बैठी हूँ और आज का ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। और आज मैं एकदम फ्री हूँ, मतलब फ्री माने मैंने कान के नहीं पहने, बिंदी वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाया। मुझे ना तकलीफ़ हो रहा है ऐसा, कुछ पहनने का मन नहीं कर रहा, कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए बहुत सारा तेल चुप रहा है। मैंने पूरे बॉडी में नारियल तेल से मालिश करी है और सर पे भी चुपकू चुपकू हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तेल लगाई हुई हूँ, नहाकर आई हूँ एकदम सर से, और बाल अभी भी गीले हैं, मैंने सुखाए नहीं हैं। नाक में भी मैंने सब उतार दिया, मतलब मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ आज। मुझे घबराहट हो रही है, होता है ना कभी कभी ऐसा। तो बस कुछ नहीं, अभी काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय और मैं बिल्कुल अभी जाने के लिए रेडी हूँ। मैंने सिलाई मशीन ठीक करने के लिए दी थी, मतलब सर्विसिंग करने के लिए दी थी, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टिचिंग करनी है, जैसे मुझे लाइक पर्दे वगैरह बनाने हैं, अपने घर को सजाना है, जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार है। और जो भी चीज़ें मैं इस घर में सजाऊँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथों से बनी हुई चीज़ों से मैं सजाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा बहुत तो मार्केट की चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं, और थोड़ी बहुत नई भी होंगी, थोड़े बहुत डेकोरेशन से रिलेटेड। मैंने ऑर्डर किया है, अभी आने वाला है, और सब 500 के अंदर ही है, आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। और मैंने मीशो से मंगवाया है, कुछ अमेज़ोन से मंगवाया है, तो सब 500 के अंदर ही, और ज़्यादा नहीं है, ओनली 4-5 चीज़ें हैं। ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा मैं हॉल वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं और कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने बहुत पहले ली थी, बड़ोदरा में ली थी, और वो मैंने आप लोगों को दिखाया है, पर आप मीशो का हॉल लेके आऊँगी तो उसमें शेयर करूँगी इस वजह से। तो चलिए आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं स्टार्ट, चाय पीते हैं और निकलते हैं सिलाई मशीन लाने के लिए। तो बनी रहिएगा ब्लॉग में। गाइस, तो फिर इस तरीके से पैक होकर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने लगाया है तेल जैसा मैंने आपको बताया था, और अभी हाईवे की तरफ जा रही हूँ, तो आपको तो पता है कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, तो धूल वगैरह लगेगा, इसलिए पूरा अच्छे से डाकू बनकर जा रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना घर का काम शुरू किया, और सिलाई मशीन रिपेयर नहीं हुई थी और मैं फ़ोन कर नहीं गई, गलती मेरी ये हो गई, ना मेरे पास उनका फ़ोन नंबर था, कुछ भी नहीं था, और फिर मुझे ऐसे ही लौट कर आना पड़ा। फिर आने के बाद जो काम मुझे दशहरा के दिन करना था वो दूसरे दिन करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस गमले में लगाना था, जासपंती का पेड़ वगैरह जो भी था, माता रानी का जितना हमारा सामान निकलता है वो सब, अभी कहाँ हम नदी वगैरह में बहाते बैठेंगे, मतलब कहाँ नदी ढूंढेंगे या तालाब ढूंढेंगे, तो इसीलिए मुझे यही बेस्ट तरीका लगता है। और अभी मुझे तो जैसे कि आपको पता है गार्डन बनाना है पूरा, जो मेरा एक सपना है उसे मैं धीरे धीरे पूरा करूँगी। अभी तो एक एक गमला ला रही हूँ और एक एक पौधा लगा रही हूँ, ताकि पूजा के लिए भी मुझे फूल मिल सके। तो इसीलिए मैं फिर से एक और गुड़हल का पेड़ लेकर आई हूँ, और इस बार बड़ा गमला लेकर आई मैं, और माता रानी का सारा सामान उस गमले में डालकर और इस तरीके से पूरा पौधा लगा दिया मैंने। और अब सब मैं पानी वगैरह दे रही हूँ, और दशहरे के दिन पे पूरे घर में धोयाधाई पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाई थी, और इतनी धूल उड़ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरे कार में धूल, स्कूटी में धूल। तो मैंने सोचा चलो जब इतना धोयाधाई हो ही रहा है तो चलो यहाँ पर भी सामने का जो आंगन है उसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से सारे पेड़ों को पानी देना, ये सब चीज़ें मेरी चालू हो गई। घर का काम ऐसे ही होता है, हाउसवाइफ का काम यही होता है, अगर एक काम की शुरुआत वो करती है
तो उसको और काम दिख जाते हैं। तो वही मेरे साथ होता है, मैं अगर थोड़ा सा काम शुरू करती हूँ, करते करते मैं और घर का सारा काम निकाल लेती हूँ। तो देखिए पेड़ वगैरह सब इतने अच्छे से सबको नहला दिया, सब धूल धूल, एक दिन में धूल हो रही थी, मतलब इस वजह से पूरा आंगन धो दिया मैंने। फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही हूँ, तो इसको इग्नोर करिएगा। आप ऐसा मत सोचना कि हर समय ऐसे कमर का बेल्ट लगा के घूमती रहती है, तो ये हर समय दर्द नहीं रहता है। दर्द मेरा हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी हो जाता है जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ या स्कूटी भी चला लेती हूँ तो तकलीफ़ होती है मुझे, और लेफ़्ट पैर पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। इस वजह से मेरा कमर का इश्यू पता नहीं कब ख़त्म होगा, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन घर के काम भी तो रुकने नहीं चाहिए ना। तो बस ऐसे ही लंगड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, रोते हुए, हंसते हुए घर के काम ऐसे ही करती रहती हूँ मैं। और अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, है कि नहीं। तो बस इसी तरीके से आराम करते हुए घर को ही पूरा सेट करती हूँ। फिर भी सबका यही कहना रहता है, आप घर में करते क्या हो? ये एक हाउसवाइफ से गलत सवाल पूछा जाता है, आप मानते हो कि नहीं? क्योंकि घर में इतने काम होते हैं कि आप कितना भी काम करो, मतलब हाउसवाइफ की जो एक ड्यूटी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो 24 आवर्स चलती ही रहती है। अब देखिए जाते समय मैं कपड़े मशीन में लगा कर गई थी और अब सुखाने की बारी आ गई, अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो बस ऐसे ही अगर टाइम मैनेजमेंट करके अगर हम घर के काम करते हैं तो काम हमारे जल्दी होते ही हैं। अगर मैं आने के बाद कपड़े लगाती फिर उसमें टाइम की वेस्टिंग होती, इसीलिए मतलब टाइम को बर्बाद ना हो और अपने लिए भी समय मिले उस हिसाब से सारे काम करने चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैं अपने घर के पूरे काम करती रहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट करती रहती हूँ और उस हिसाब से सारे घर का जो भी है वो करती हूँ, घर को सजाती हूँ। बस अब लगी हुई हूँ इस काम में। अब कपड़े सुखाने के बाद आज मेरा टारगेट है अपने लिविंग रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक करने का। तो चलिए अब आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने लिविंग रूम को आज ठीक करूँगी। पूजा के जो भी बर्तन वगैरह थे, अब पूजा तो ख़त्म हो गई है तो सारे बर्तन में अब पूजा की जो अलमारी है उसमें रख रही हूँ। बस अब खाली कोजागिरी पूर्णिमा के दिन पे निकालूँगी मैं, और प्रसाद वगैरह का ये बर्तन का जो भी है मैंने रख दिया धो धा के। और अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में, तो अभी आप लिविंग रूम थोड़ा देख लो कैसा दिख रहा है। और अब थोड़ा सा मैं इसमें चेंज लाने वाली हूँ, लाइक कर्टन बदलूँगी और थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, तो कुशन कवर बदलेंगे। और ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो मैं फोल्ड कर करके रख रही हूँ, ये मैं यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ, लाइक मेरा पर्स हो गया, मेरा स्कार्फ हो गया, जब मैं ऊपर जाऊँगी तभी लेकर जाऊँगी, तो इस हिसाब से मैं वहाँ पर रखती जा रही हूँ। और अभी मैं कर्टन वगैरह चेंज करूँगी, और क्योंकि ये जो अभी मैंने कर्टन लगाए थे वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, रात में ना पूरा दिखाई देता है अंदर का, इस वजह से ये ब्लू कर्टन, तो आपको पता है हमारा कितना फेवरेट कर्टन है जो बड़ौदरा में बेडरूम में लगा रहता था, ये वही कर्टन है। तो मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहती हूँ कि पुरानी चीज़ें से भी हम अपने घर को हमेशा सजा सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि हर समय की नई चीज़ें लानी है और घर को सजाना है। तो बस मिक्स एंड मैच करते हुए अपने घर को डेकोरेशन करना है, तो वही मेरा काम चल रहा है। और ये जो कर्टन थे वो अभी फोल्ड करके रख रही हूँ, अभी ऊपर का भी रूम ठीक करूँगी तो शायद वहाँ पे लग जाए। तो बस इसी तरीके से अपनी चाय भी बनाकर लेकर आ गई हूँ, चाय पीते हुए अपने इस टेबल को क्लीन करूँगी और बस कवर वगैरह लगा के इस लिविंग रूम को आज हम थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे।
अब जब मैंने ये कर्टन लगाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर 3 कर्टन आने चाहिए, तभी ये पूरा जो खिड़की है कवर होगी। तो फिर मैंने सोचा, मेरे पास एक सिंगल बेडशीट थी जो मैंने बड़ोदरा में 2 बेडशीट खरीदी थी और सोफ़ा कवर बनाया था, ये वही सिंगल बेडशीट एक बची हुई है पूरी। तो मैंने उसको ऊपर से हाथ सिलाई करके, मतलब रॉड के अंदर जा सके उतना मैंने किया, क्योंकि मशीन तो थी नहीं, काम रुकना चाहिए नहीं, इसीलिए मैंने हाथ से उसको सिलाई किया और कुछ इस तरीके से लगा दिया। और बहुत ही प्यारा दिख रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। और अब मैं जितने भी कुशन कवर हैं वो बदल रही हूँ। अब लाइक दिवाली है तो ऐसे ही रंग बिरंगे ही कुशन कवर अच्छे लगते हैं। और ये मेरे काफ़ी पुराने कुशन कवर है, मैं अपने मायके से लेकर आई थी, तो वही कुशन कवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मेरा पुराना कारपेट है जो मैंने बड़ोदरा में ही दिवाली के टाइम पर ख़रीदा था। तो बस वही चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों को बस इधर का उधर करके सजा रही हूँ फ्रेंड्स। तो बस इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया। अब बारी आती है इस दीवार की। ये पूरी दीवार ना बहुत सीलन के वजह से ख़राब हो चुकी है। अब बारिश तो ख़त्म हो गई है, लेकिन पहले ना गीला गीला दिखाई देता था, तो अब गीला गीला तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ दीवार ख़राब हो चुकी है। अब इस दीवार को मैं इतना तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही गिफ्ट पेपर का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर इस पर चिपकाने के लिए, और फेविकॉल से इसको चिपका दूँगी, इस वॉल को कवर कर दूँगी। क्योंकि लाइक एक दीवार को करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो काम का लोड नहीं ले रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, उस दिन मैं ज़रूर इस दीवार को करूँगी कलर। और मुझे कलर भी चेंज करना है, ये जो स्काई कलर लगा हुआ है ना दीवार पे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, करूँगी, इसका भी सॉल्यूशन निकालूँगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आज का जो दिन है मेरा कुछ इस तरीके से बीता। और अब बजने जा रहे हैं 7, मतलब 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, और अब मुझे करनी है संध्या बाती और डिनर बनाना है। इसीलिए आज का जो काम है यहीं पर स्टॉप करती हूँ, जितना हुआ काफ़ी हुआ, क्योंकि सिर्फ भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो 2 हाथ से जितने काम हो सकते हैं उतने काम करना रहता है। और हाँ, अभी इसी बीच में सिलाई मशीन वाले का भी फ़ोन आया था, और वो उसने कहा कि मशीन हो चुकी है, लेकिन अभी मैं नहीं जाने वाली, शाम के समय पे काफ़ी दूर है वो, अब मैं जाऊंगी परसों, क्योंकि कल है दुकान बंद उसकी, तो परसों मशीन आ जाएगी, और फिर उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो घर को सजाना है भाई अपने हाथों से। तो बस आज का यहीं पर ब्लॉग ख़त्म करती हूँ अपनी टूटी हुई कमर के साथ और मिलती हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में। और अभी तक आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।